वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 3-4 पॉइंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूं, जो रेलवे में 1.3 लाख पोस्ट की रिक्रूटमेंट थी उसके रिगार्डिंग। और सेकंड पॉइंट हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से जॉब्स अभी लेटेस्ट में निकले हैं जिसके अंदर कोई भी बिना एग्जामिनेशन की नौकरी है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ACIO की जॉब निकली हुई है, इसके अलावा और भी कुछ पोस्ट की जॉब निकली हुई है जो कि बिना किसी एग्जामिनेशन की जॉब्स है, उसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ कि जो भी मैं आपको जॉब की डिटेल्स देने वाला हूँ, ट्वीट की डिटेल्स देने वाला हूँ, जो भी बताने वाला हूँ, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी जो लेटेस्ट सरकारी नौकरी निकली है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको फॉर्म्स भरने होंगे, देखना होगा उनके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गुड न्यूज से। तो गुड न्यूज ये है कि जो 1.3 लाख रेलवे की पोस्ट निकली थी जिसके अंदर 1 लाख लेवल 1 की यानी ग्रुप D रेलवे की पोस्ट थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा था, हर एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था। और मैंने इस चीज को अपने वीडियो में, जो मैंने वीडियो बनाया था आपको नोटिफिकेशन का, उसमें क्लियर भी किया था। डाउट ये आ रहा था कि क्या 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं रेलवे ग्रुप D में, या फिर सिर्फ और सिर्फ ITI स्टूडेंट या फिर जो उसके डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं, कोर्सेज कर रखे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अब से बस कुछ ही घंटे पहले रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उनका ट्विटर हैंडल आपको बता दूं, पीयूष गोयल आप सर्च कर लेना तो ट्विटर पे तो आपको मिल जाएगा, या फिर गूगल पे कर लेना पीयूष गोयल ट्विटर तो आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा वहाँ पे। तो उन्होंने क्या लिखा है कि अब और अधिक युवा कर सकेंगे रेलवे में आवेदन, लेवल 1 पोस्ट के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास ITI या उसके समकक्ष। इसको इंग्लिश में बता देता हूँ, नाउ मोर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन रेलवेज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 पोस्ट इज 10th पास ITI और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ही क्लियरली इन्होंने बता दिया है कि जो इस बार रिक्रूटमेंट निकली है 1.3 लाख पोस्ट निकले हैं, इसके अंदर जो ये 1 लाख पोस्ट था रेलवे ग्रुप D का, सिर्फ इसी के लिए उन्होंने कहा है, सिर्फ इसी के लिए 10th पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। जो आपका ये डाउट आ रहा था कि क्या ITI चाहिए, कंपलसरी है, तो वो बिल्कुल भी अब हट चुका है, और आप बेफिक्र हो जाइए, ये 1 लाख पोस्ट के अंदर 10th पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और इस चीज़ के बारे में मैंने अपने 2-3 दिन पहले इनके ट्वीट से पहले मैंने एक वीडियो जब बनाया था रेलवे के रिगार्डिंग, इस पोस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ पोस्ट जरूर होंगे जिसके अंदर ITI कंपल्शन होगा, जैसे वेल्डर वगैरह के, बट मोस्टली पोस्ट, ज्यादातर पोस्ट में 10th पास, नॉर्मल 10th पास भी अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज से कंफर्म हो चुका है इस ट्वीट से कि ये एकदम कंफर्म चीज है कि 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं रेलवे ग्रुप D या फिर लेवल 1 की जॉब के लिए। और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के 1000 डाउट्स आ रहे थे, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, पेपर कैसा होगा, क्या अलग अलग फॉर्म्स भरेंगे। तो देखिए, डाउट मैं आपको 1-2 पहले बताता हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन का आपको डाउट था कि क्या इसके अंदर हर एक पोस्ट की अलग रजिस्ट्रेशन होगी या फिर एक ही होगी। देखिए, एक ही कैसे हो सकती है, क्योंकि जो इनके डेट है ऑनलाइन अप्लीकेशन के, रजिस्ट्रेशन के, वो अलग अलग है। जैसे 28 फेब को NTPC का नोटिफिकेशन निकलेगा ऑफिशियल, और उसके दिन से ही 28 तारीख से ही आप अप्लाई कर पाओगे उस फॉर्म के लिए, तो 28 तारीख को आप उसका फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो अगला डेट है वो लेवल 1 की पोस्ट का है। तो इस तरीके से सारे के सारे जॉब्स का अपना अपना एक डेट होगा, एक टाइमिंग फिक्स होगी, तो उन सबकी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगी, एक साथ नहीं होगी, आपको फीस अलग से देनी पड़ेगी। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर सेम हुई तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऐसा तो हमको चाहिए चाहिए। जो मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख पोस्ट का एक फॉर्म निकलेगा, यानी एक ही फीस का, और जो 30,000 की पोस्ट थी जिसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप की जॉब्स थी, इनके लिए शायद एक ही फॉर्म निकले। अगर सरकार कुछ प्लस करना चाहे तो ये कर सकती है। इसके अलावा आप 2 फॉर्म तो मिनिमम आपको भरने ही पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो देखिए, बस 2-3 दिन आप वेट कर लीजिए, 28 फेब को आपका ये नोटिफिकेशन निकलने वाला है NTPC का, और मैं उसी दिन उसी वक्त वीडियो बनाऊंगा, और आपके सारे डाउट जो इस चीज़ के रिगार्डिंग है, वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर एक चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा, इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा। डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, जिसके अंदर मैं क्लियरली एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, और वही क्वेश्चन, बस 19-20 होगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके
रखना ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई। अब आप रेलवे के डाउट ज़्यादा मत पूछिए, क्यों? क्योंकि मैं उस नोटिफिकेशन का जो वीडियो निकलेगा उसके अंदर सारे डाउट्स वैसे ही आपके क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ भी बोल दूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है। नोटिफिकेशन में जो चीज़ें निकलेंगी उस हिसाब से हम चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये सारा पॉइंट खत्म। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के 318 जो पोस्ट निकली है, ACIO की, और भी बहुत सारी पोस्ट निकली है जिसके अंदर बिना किसी एग्जामिनेशन के ये पोस्ट है। तो देखिए, आपको पोस्ट बता देता हूँ कौन कौन सी। एक है डेप्यूटी डायरेक्टर टेक, 3 पोस्ट है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर 2 पोस्ट, सीनियर रिसर्च ऑफिसर 2 पोस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर 6 पोस्ट, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 पोस्ट, ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 54 पोस्ट, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 7 पोस्ट। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे जॉब्स हैं, इसके अंदर मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो उसके बाद है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 167 पोस्ट, अकाउंटेंट 26 पोस्ट, और भी बहुत डिफरेंट टाइप के इसके अंदर पोस्ट है। तो देखिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये अफवाह फैला रहे हैं लोग कि इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, इसके अंदर जो अगर आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, इसके नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर साफ साफ आपको चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, किसी के अंदर बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी होंगी। जबकि इस नोटिफिकेशन के टॉप पर आप देखिए तो डेपुटेशन लिखा हुआ है साफ साफ। उसके अलावा भी नोटिफिकेशन के जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है डेपुटेशन। डेपुटेशन ये नौकरी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये डेपुटेशन वाली जॉब है, यानी जो पहले से ही वर्किंग है, पहले से ही जिनकी नौकरी लगी है, वो अगर डेपुटेशन लेना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं नौकरी, IB के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये फॉर्म निकला हुआ, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, या फिर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया इसके ऊपर कि ऐसा ऐसा एक फॉर्म निकला हुआ है। तो देखिए, कोई भी असली फॉर्म नहीं है, मतलब ये नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जो लोग पहले से ही वर्किंग हैं, जिन्होंने 5 साल 10 साल 15 साल डिफेंस में काम किया, स्टेट पुलिस में काम किया, फिर सेंट्रल पुलिस में काम किया, कोई भी सेंट्रल पुलिस के जो फोर्सेस है हमारे, तो वहाँ पर अगर आपने काम किया है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हो और उसके अंदर आपका एक अपग्रेडेशन हो जाएगा, आपको एक IB में आप आ जाओगे, एक अपग्रेड हो जाएगा आपका। तो ये उनके लिए, ये सबके लिए नहीं है। और हाँ, इसके अंदर बिना किसी एग्जामिनेशन के है और बस आपको फॉर्म भरना है, जो भी आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा होगा बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के। अब इसके बाद हम बात करते हैं रियल जॉब जो जनरल पब्लिक के लिए है, जो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर कोई एग्जामिनेशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई एग्जामिनेशन नहीं है। हालांकि बहुत सारी जॉब्स निकली हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जो भी फॉर्म्स अभी लेटेस्ट निकले हुए हैं आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। मेन अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, डेजर्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर, ये एक सरकारी कॉरपोरेशन है, दिल्ली बेस्ड कॉरपोरेशन है, एकदम प्योर 100% है। इसकी रिक्रूटमेंट निकली है, कहाँ पर निकली है? राजस्थान स्टेट में जोधपुर पोस्टिंग के लिए निकली है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जोधपुर पोस्टिंग के लिए। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या राजस्थानी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप इस कंट्री में कहीं के भी हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट निकली है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिसर्च असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्निकल मैनेजर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट निकली हैं जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊं तो जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली सारे पोस्ट के अंदर आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है, 2 साल 3 साल का, या फिर अगर आपने डोएक किया हुआ है, डोएक ए लेवल, तो आपका एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपने 12th किया, डोएक ए लेवल किया, डाटा एंट्री ऑपरेटर में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के। आपको बस जाना है जोधपुर में उनके सेंटर पे और आपको इंटरव्यू देना है। अगर आपको एड्रेस जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा TMRC जोधपुर आप सर्च करना, आपको मैप में अपने आप ही गूगल मैप में दिख जाएगा कौन से लोकेशन पे है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन के भी है, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली के अंदर एक्सपीरियंस है। हर एक चीज को बताना फिजिबल नहीं है और सही भी नहीं है, तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और देखिए कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ में, क्या पता इसके अंदर आपका काम आ जाए और बिना किसी एग्जामिनेशन के आप अप्लाई कर सको। तो आप एक बार जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेकआउट जरूर करना इस फॉर्म को, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और सारे पोस्ट के नीचे देखना कि कौन से एक्सपीरियंस की डिमांड ये कर रहे हैं, क्या पता आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सरकारी नौकरी है और इसके अंदर ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, 18,000 तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिल रही है, ऑफिसर लेवल पर देख रहे हो तो 36,000, 35,000, 40,000, 45,000 तक सैलरी मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको अगर इसकी डेट बता दूं तो जो इसकी वॉक इन डेट, यानी बस आपको सीधा एंट्री करना है और वहाँ पे मतलब आपको पहुँच जाना है और आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसका जो सेम DMRC जोधपुर के अंदर जो इसके डेट है, तो आपके 5 मार्च को ही मोस्टली ज़्यादातर इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू आपका 7 मार्च को भी है। देखिए, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर 9:30 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा, रिसर्च असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ये 4 पोस्ट है, इनकी आपके 5 मार्च को आपकी इंटरव्यू होगी और ये बाकी 9:30 बजे 11 बजे 10 बजे स्टार्ट होंगे अपने अपने हिसाब से। इसके अलावा आपका जो आपका
DEO है, DEO ग्रेड बी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग आने वाले हैं। इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा इसका, यानी आपको टाइप अप करा के देखेंगे, कोई आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये आपका होगा 7 मार्च को। तो देखिए ये आपकी डिटेल हो गई डेट्स की, इसके अंदर आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, बट हाँ इसके अंदर ये क्या लिखा गया है कि अगर 30 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं वहाँ पे तो ये रिटर्न एग्जामिनेशन लेंगे। तो आप एक बार थोड़ी सी तैयारी करके जाना वहाँ पे। रिटर्न एग्जामिनेशन ऑब्वियसली क्या होगा, हर जगह पे रीजनिंग पूछता है, एक रीजनिंग की आप तैयारी करके चले जाना, बाकी आप नॉर्मल नौकरी की तैयारी करते ही हो, वहाँ पर जाके आप लोग खरीदोगे। तो रीजनिंग की तैयारी बस एक बार करके जाना, और अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो। इसके अलावा आपको नॉर्मल बस इंटरव्यू की अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो यही था सारा डिटेल। इसके अलावा और भी बहुत सारी नौकरियाँ निकली हुई हैं, पावर कॉर्पोरेशन की निकली हुई है, तो इन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको क्लिक करके एक बार देखना होगा तो देख लेना। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।